good morning students so now uh, in previous uh, video uh, uh, i have uh, explained uh, you and uh, we have also completed our uh, previous chapter that is chapter number 4 okay and so today we'll start with our next chapter that is unit number 5 health and nutrition on the page number 34 so first of all what do you mean by nutrition सो न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑप्टेनिंग द फूड विच इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ एंड ग्रोथ ओके सो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको प्रोवाइड करेगा या फिर जो खाना आप खाते हो वो क्या है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए सो दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहा जाएगा पोषण ठीक है अब आ, अब नेक्स्ट आता है हेल्थ हेल्थ तो आपको पता ही है कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी ठीक है अगर आप सपोज कोई जंक फूड खाते हो जंक फूड आपको पता होगा जैसे चिप्स बर्गर बर्गर्स पिज्जा ओके सो दीज ऑल आर जंक फूड सो अगर आप आ, क्या होगा कि हेल्थ आपकी तभी अच्छी रहेगी जब अगर आप हेल्थी फूड खाओगे ठीक है जैसे घर का बनाया हुआ खाना वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए सो so अब इस चैप्टर में भी आप वही पढ़ोगे अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कौन सी चीजें आपको कैसी खानी चाहिए कौन सी चीजें में क्या क्या विटामिन Uh, पूरा का पूरा बैलेंस डाइट के बारे में आप पढ़ोगे ओके सो लेट स्टार्ट विद एक्टिविटी डेट इज एक्टिविटी नंबर वन रीड द पोएम एंड एंजॉय सो सबसे पहले पोएम का टाइटल क्या दिया हुआ है फूड फंडा आप फूड तो आपको पता ही है कि खाना होता है आप फंडा फंडा का मतलब क्या होता है फंडा मीन्स समथिंग बेसिक कुछ एक ऐसी बेसिक चीजें होती है या फिर आप दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ठीक है जिस तरीके से आप एक जो प्रॉपर जो फूड है ठीक है उसके बारे में आप यहाँ पे देखोगे इस पोयम में और किसने लिखा है विच इज रिच बाय रीनी चौधरी ओके सो वॉट इज फूड मतलब खाना क्या है इफ़ नॉट बैलेंस्ड एंड गुड अब खाना तो वही है जो अगर आपको प्रॉपरली uh, डायजेस्ट करे ओके okay? एंड uh, अगर सपोज uh, जैसे इफ नॉट बैलेंस्ड एंड गुड इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीजें अगर आप सपोज जंक फूड खाते हो अगर वो प्रॉपर बैलेंस्ड नहीं हुआ या आपके लिए हेल्थ uh, के लिए आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा होगा तो जैसे कि क्या कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं एज द डॉक्टर से एन एप्पल डे डॉक्टर अवे अगर आप रोज का एक फ्रूट यानी कि कौन सा फ्रूट एप्पल अगर आप रोज डेली दे एप्पल खाओगे तो आप हमेशा डॉक्टर या हॉस्पिटल या जाना आप मतलब दूर रहेंगे दूर रहेंगे ये सब ठीक है आपको ज्यादा डॉक्टर के साथ विजिट करना नहीं पड़ेगा ठीक है अगर आप प्रॉपर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक प्रॉपर खाना आप खाओगे तो ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आता घर का खाना या किसी को बहुत अच्छा लगता है घर का खाना तो इसलिए अगर आप ये जंक फूड को छोड़कर अगर आप घर का खाना खाओगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और रोज डेली एक फ्रूट आपको खाने ही खाना है जैसे एप्पल ओके सो डस अमूल से तो अमूल क्या कहता है अमूल दूध पीता है इंडिया ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी है और आती हो आती है ना तो आप देखते हैं कि जैसे अमूल क्या कहता है कि अमूल दूध जो है वो कौन पीता है इंडिया पीता है यानी पूरा का पूरा देश पीता है अमूल का दूध ओके अब दूध से क्या होता है कैल्शियम होता है जिससे आपको इट इज गुड फॉर योर बोन्स ठीक है बोन्स के लिए कैल्शियम तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है देन कीप अवे योर पिज्जा एंड बी हैप्पी विद राजमा एंड डोसा सो so, इस तरीके से आप जो भी जंक फूड है उसको आप हटा दीजिए ठीक है उसको मतलब की थोड़ा कम कीजिए ठीक है अगर आपको खाना पसंद है जंक फूड ओके फाइन बट सिर्फ वन मंथ में टू या थ्री डेज के लिए ही आप उसे प्रेफर कीजिए बाकी जो है आप ना ही खाओ जंक फूड तो ज्यादा अच्छा इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कीप अवे योर पिज्जा पिज्जा जो है उसको हटा दो और खुश रहो राजमा और डोसा के साथ घर का जैसे राजमा चावल है डोसा है वो सब में खाओ और उससे ही ही उसको कहते हैं असली खाना ठीक है सो स्मिथ इज वेरी फॉन्ड ऑफ पिज्जा अब यहाँ पे क्या है कि जो स्मिथ है उसको काफी ज्यादा पसंद है पिज्जा बर्गर्स एंड पफ्स एंड सफर्स फ्रॉम स्टमक एक् अब उसको सबसे ज्यादा जैसे आप लोग आप लोगों के जैसे ही है ये जैसे मतलब कि जो स्मिथ है उसको काफी ज्यादा पिज्जा बर्गर्स एंड पफ्स पसंद है पर ये सब खाने के बाद उसे क्या हो जाता है वो सफर करता है उसको स्टमक एक स्टमक एक में उसको पेट दर्द हो रहा है ठीक है और फिर हीस हिम टू ईट होम मेड फूड आप घर में क्या होता है कि जो मम्मी होती है वो हमेशा आपको एडवाइस करती है कि हो सके तो जितना हो सके आपको घर का खाना ही खाना चाहिए बाहर का जितना हो सके उसको अवॉइड करो आपको हमेशा अपनी मदर की बात सुननी चाहिए ओके सो यू हैव टू ईट होम मेड फूड जैसे कि रोटीज पराठा ग्रीन सब्जीज एंड दाल ये सब सारी चीजें आपको खानी चाहिए ठीक है विच इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ बट ही ड लाइक दिस फूड अब उसको ये खाना बिल्कुल नहीं पसंद है ठीक है? ऐसे ग्रीन सब्जी उसको नहीं पसंद। हैजू गो टू अ डॉक्टर अगर आपको नहीं पसंद है जंक फूड खाओगे फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ठीक है अगर आप घर का बनाया हुआ खाना खाओगे तो तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की सो so, इस तरीके से write a dialogue between the doctor and the smith advising about maintaining good food habit and taking proper care of his health ab is tarike se aapko ek dialogue likhna hai ये आपका homework रहेगा या आपको खुद लिखना है किसके बीच का conversation लिखना है doctor और Smith के बीच में कि उस जो doctor है उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से आ, मतलब कि गुड फूड हैबिट होनी चाहिए ठीक है हमेशा हो सके तो होम मेड खाना ही आपको खाना चाहिए और इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए अपनी हेल्थ की ठीक है और कुछ टिप्स लेने चाहिए कि कब खा कैसे खाना चाहिए क्या करना चाहिए वो सब चीजें एडवाइस करते हुए आपको डायलॉग लिखना है योर ग्रुप कैन इवन इक्ट दिस सिचुएशन अगर आप चाहे तो इसको स्किल की तरह एक ड्रामा की तरह भी आप इसको सिचुएशन को इनैक्ट करके दिखा सकते हो नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर टू इंजॉय द स्टोरी एंड दी स्टोरी टाइटल इज लॉर्ड शिवास एडवाइस ऑन गुड हेल्थ अब ये जो नई एक्टिविटी वन में तो आपने पढ़ा है ठीक है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या चीजें कब खानी चाहिए अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी टू में इसमें काफी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें जो लॉर्ड शिवा जो है वो एडवाइस करते हैं अबाउट द गुड हेल्थ बट बीच में क्या हो जाता है वो अभी हम आगे देखते हैं स्टोरी में अकॉर्डिंग टू एशियन फोकलोर पीपल ऑन अर्थ वर एम्ब्रॉल्ड इन अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट हाउ मच दे शुड ईट एंड हाउ ऑफन दे शुड बाथ टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ सो अब इसके मतलब कि काफी फोकलोर फोकलोर का मीनिंग क्या होता है द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड कस्टम्स ऑफ अ कम्युनिटी इसका मतलब काफी पुरानी जो स्टोरीज कहानियां जो आप सुनते आ रहे हो ना तो उसके अकॉर्डिंग जो काफी पुराने जमाने के जैसे लोग थे ठीक है उसके मुताबिक जो लोग जो इस धरती में यानी कि अर्थ में रहते थे देवर एम्ब्रॉयड मीन्स इन्वॉल्व ओके इसका मीनिंग यही है एम्ब्रॉइड का कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट एक लड़ाई की आ बीच में आप मतलब इन्वॉल्व कर लेते हो तो बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है कॉन्ट्रोवर्सी किसके बीच में मतलब कॉन्ट्रोवर्सी का मीनिंग होता है काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं ठीक है ठीके? किसके बारे में आर्ग्यूमेंट होती है अबाउट कि कैसे हमें कितना खाना चाहिए ठीक है हाउ मच दे शुड एट कितना खाना चाहिए और कितने अमाउंट का आ, मतलब कि, कितने अमाउंट का हमें फूड खाना चाहिए और कितने टाइम हमें आ, नहाना चाहिए ठीक है बाथ मीन्स कितने टाइम हमें नहाना चाहिए और ताकि हम इससे क्या होगा हम एक लंबी और एक हेल्थी लाइफ जी पाएंगे ठीक है दे डिसाइडेड टू प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस अब ये सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कि हमें कब सो कब कितना खाना चाहिए कब नहाना चाहिए कितने टाइम कि अब हमें नहाना चाहिए खाना चाहिए तो इस सबके बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं एंड देन फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है लॉ शिवा को प्रे करेंगे ठीक है प्रार्थना करेंगे और उनकी गाइडेंस लेंगे लॉ शिवा वॉज बिजी इन अ मीटिंग विद ब्रह्मा एंड विष्णु अब उसी के दौरान क्या होता है कि जो लॉ शिवा होते हैं वो काफी एंगेज एंगेजमेंट काफी बिजी रहते हैं उनकी मीटिंग चल रही होती है किसके बीच में मतलब किसके साथ ब्रह्मा और विष्णु जी ठीक है आपको पता होगा कि ब्रह, ब्रह्मा जी भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के होते हैं ठीक है देन विष्णु भगवान जी देन सो ही सेंड हिज बुल नंदी टू टेल पीपल टू प्रे थ्री टाइम्स अ डे एंड टू ईट वंस अ डे सो इसी दौरान में वो जो लॉ सेवा जो है वो लोगों की प्रार्थना भी समझते हैं और सुनते हैं और, तो और इसके लिए वो आ, किसको बेचते हैं अर्थ पे धरती पे किसको बेचते हैं उनके जो बुल यानी कि नंदी ठीक है उनका जो सेवक होते हैं सेवक होता है उनको वो धरती में बेचते बोलते हैं कि तुम्हें लोगों को क्या बताना है कि तुम्हें करीब तीन बार प्रे कर एक दिन में तीन बार प्रे करनी है और एक दिन में एक ही बार खाना है समझ में आया कि आपको प्रे कब करना है पूरे दिन में तीन बार और खाना कब है पूरे दिन में एक बार तो ऑन हिस वे नंदी के pasture of ऑफ ग्रीन ग्रास stopped there। अब उसके दौरान क्या होता है कि जब वो नंदी जी जो उनके मतलब के रास्ते में उनको आ, क्या आ, दिखाई देता है कि पैस्चर पैस्चर मतलब क्या होता है ग्रेसिंग लैंड यानी कि उनको एक अम हरि की मतलब की का, एक लैंड दिखाई देता है ठीक है ग्रेसिंग लैंड जहाँ पे चारा दिया जाता है जानवरों को और वहां पे काफी हरी भरी ग्रास होती है ठीक है और वो वहां पे रुक जाते हैं ही हैड अ गुड मील ऑफ हेल्दी डिलीशियस ग्रास एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी टू अर्थ और उसके बाद ही उन, उन वो काफी अच्छा खाना हेल्दी खाना खाते हैं ठीक है और काफी टेस्टी ग्रास खाते हैं खाना मतलब खाके फिर वो दोबारा अपनी जो जर्नी है अर्थ की तरफ वो कंटिन्यू रखते हैं खाके ठीक है खाने के बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम यानी कि काफी थोड़ा और चलने के बाद थोड़े टाइम चलने के बाद क्या होता है वो फिर से आते हैं एक ही एक केम एकफी बुशीज एंड स्टॉप्ड अगेन फिर क्या होता है कि दोबारा वो कहीं से रास्ते में रुक जाते हैं और फिर क्यों रुक जाते हैं क्योंकि उनको क्या दिखाई देता है leafy bushes मतलब कि काफी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं ठीक है लीफी झाड़ियां दिखाई देती हैं और दोबारा वो वहां पर रुक जाते हैं टू स्नैक ऑन द लीव स्नैक ऑन मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट्स में वो खाना खाते हैं ठीक है मतलब उसी के दौरान चलते हैं फिर रुक जाते हैं खाना खाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, खाना खाते हैं ओके पत्ते खाते हैं ओके लीव्स देन ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉक अगेन फिर उसके बाद दोबारा से वो एक लंबी मतलब लंबी वॉक के लिए वो चल निकल पड़ते हैं अ फ्यू आवर्स ऑफ वॉकिंग ब्रॉड म अब कुछ घंटों के बाद उनको वो कहाँ चले जाते हैं नॉ टेक ओके सो ऑर्चर्ड मीन्स भाग ठीक है यानी कि आ, एक ऐसा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज जहाँ पे प्लांट मतलब कि ट्रीज को प्लांट किया जाता है ठीक है ताकि वो मेंटेन करते हैं फूड प्रोडक्शन मेंटेन करते हैं ठीक है एंड ऑर्चर्ड कम्प्राइज फ्रूट और नट ठीक है मतलब जो ट्रीज टो तो प्रोड्यूस होती है वहां पे फ्रूट्स और नट्स ग्रो किया जाता है जनरली फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ठीक है इज़ नोन एज ऑर्चर्ड देन एंड ही टेम्पटेड टू सम ऑफ द डिलीशियस फ्रूट ग्रोइंग देयर और इसीलिए उनको काफी ज्यादा ही ये ये देखकर उनको काफी ज्यादा टेम्पटे मतलब उनकी इच्छा हुई काफी ज्यादा और उनको मतलब फिर से उनको भूख भूख लगने लग गई और इसीलिए उन्होंने सैंपल के तौर पे सैंपल मतलब थोड़ा सा सिलेक्ट ईट अ फ्यू मतलब कि थोड़ा सा कुछ सिलेक्ट करके जो मेन जो फ्रूट्स और जो नट्स थे उनको खाया और सम ऑफ द फ्रूट ग्रोइंग कि जहां पे सबसे ज्यादा बहुत ही टेस्टी एक फ्रूट ग्रो करता है तो उनका एक दो आ, सैंपल के तौर पर उन्होंने खाया ठीक है एसोन एस हिस्स स्टमक वॉज फुल जैसे तैसे इनका जो स्टमक था टम बिल्कुल फुल हो गया था ठीक है पेट भर गया उनका खाके सब एंड ही स्टार्टेड एंड दोबारा उन्होंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया He walked for hours and was getting thirsty and dirty when he saw a river in the distance. अब क्या होता है कि बीच में वो काफ़ी ज़्यादा चलते चलते उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर चलते चलते काफ़ी थोड़ा उनके जो मतलब कि डर्टी भी हो जाते हैं ठीक है थोड़े कपड़े थोड़े खराब हो जाते हैं उनको फिर उनको सामने क्या दिखाई देता है थोड़ी ही डिस्टेंस यानी थोड़ी ही दूरी पर उनको एक नदी दिखाई देती है नंदी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द क्लीन फ्लोइंग वॉटर अब जो नंदी थे नंदी बेल ठीक है वो काफी खुश हो गए कि उन्होंने क्या देखा कि काफी साफ सुथरा और काफी मतलब बहता हुआ एक पानी दिखा उनको साफ सुथरा एकदम फर्स्ट ही ड्रक सम वाटर पहले तो उन्होंने पूरा थोड़ा पानी पिया एंड देन वेडेड द रिवर उसके बाद वेडेड का मतलब क्या होता है वॉक थ्रू द रिवर यानी कि पानी में थोड़ा उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया टू हैव अ पार ताकि वो अच्छे से नहा सके उसमें आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स इन द वॉटर और फिर जब मतलब कुछ घंटे मतलब उन्होंने नदी में ही बिताने के बाद ठीक है स्पेंड करने के बाद नदी में ही नहा धो के अच्छे से देन ही रेज्यूम्ड हिज जर्नी ऑन अर्थ फिर से उन्होंने अपनी जो तो जर्नी थी अर्थ की तरह वो उन्होंने स्टार्ट कर दी ठीक है फिर से चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने बाय द टाइम ही रिच द अर्थ और थोड़े ही टाइम के बाद वो धरती पर पहुंच गए ही हैड मेड सो मेनी स्टॉप अब उनके बीच में उन्होंने काफी स्टॉप काफी आ, अलग अलग जगह पे वो रुके ठीक है And done so many things. और उन्हीं के बीच में काफी चीजें भी करी उन्होंने इस वजह से क्या हो गया That he was confused about लॉ Shiva's message. और इन्हीं के दौरान पे जो लॉ शिवाजी शिव जी भगवान ने जो उनको मैसेज दिया था कन्वे करने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए और वो जो मैसेज था वो मतलब इतने सारे जगह पर रुक कर खा मतलब थोड़ा काफी चीज़ें खाना फिर उसके बाद पानी ये नदी में पानी पिया उन्होंने उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि लो शिव जी भगवान ने क्या मैसेज दिया था ताकि वो लोगों तक कन्वे कर सके सो ही टोल्ड पीपल तो उनको कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज होने के बाद उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि टू ईट थ्री टाइम्स अ डे एंड प्रे वंस डेली Instead ऑफ द एडवाइस ऑफ प्रेइंग थ्री टाइम्स अ डे एंड ईटिंग ओनली वंस अब उन्होंने क्या बता दिया लोगों की तरफ क्या कन्वे कर दिया कि तुम्हें एक दिन में तीन बार खाना है और प्रे कब करनी है एक बार करनी है पूरे दिन में एक बार करनी है वो भी रोज करनी है बल्कि मेन एडवाइस क्या थी शिवजी भगवान ने क्या एडवाइस किया था नंदी जी को बोला था कि उनको एक दिन में करीब तीन बार प्रे करना है और पूरे दिन में एक बार ही खाना खाना है और पर पर जब वो नंदी बेल धरती पर आए काफी उनके सामने स्टॉप्स वो रुके रहे ठीक है अलग अलग जगह पे रुके खाया तो आ, उसी लिए उसी के दौरान उनके बीच के दौरान वो कंफ्यूज हो गए कि उनका मैसेज क्या देना था और इस वजह से उन्हें क्या मैसेज दिया कि आपको पूरे दिन में तीन बार खाना खाना है और एक बार ही प्रे करनी है ठीक है सो सिंस पीपल हैव ईटिंग मोर दे नीड टू क्या हो गया कि लोग जो है वो आ, इसी दौरान पे वो खा मतलब कि ज्यादा ज्यादा खाने लग गए ठीक है बल्कि इनकी जरूरत नहीं थी खाने की ठीक है सो नाउ अ थाउजेंड इस लेटर काफी हजार साल के बाद लिए जो डाइटिशियंस हैं शॉर्ट ऑफ बिलीव इन दिज मिस्टेक इसके बाद जो डाइटिशियंस हैं ठीक है थीके? ये इनका एक बिलीफ रहा कि नंदी की जो मिस्टेक उनकी जो गलती की वजह से लोगों के तक जो रियल मैसेज जो पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाए पर इसलिए वो एडवाइस कर रहे हैं सो वी आर एडवाइज टू ईट फोर टू फाइव टाइम्स अ डे इन स्मॉल क्वांटिटीज इसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि वो उस लोग तक वो एडवाइस कर रहे हैं डाइटिशियंस की जैसे नंदी जी ने हर एक स्टॉप पे रुक रुक के थोड़े थोड़े थोड़ अमाउंट में खाना खाया था ठीक है वैसे ही आपको करना है अगर आप पूरे दिन में आपको चार से पांच बार आप खाते हो तो पूरा एक साथ भर मतलब पेट भर के नहीं छोटे छोटे मतलब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आपको खाना है ठीक है एकदम से पूरा पेट भर नहीं लेना है एक बार में नहीं सारा खा लेना है ठीक है so, सो इस तरीके से जो मेन जो मैसेज था ठीक है कन्वे करने का वो थोड़ा सा मिस्टेक होकर इसलिए हम आज भी हम आपको पता है कि प्रेयर जो है हम थ्री टाइम खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ठीक है और थोड़ा सा होता है स्नैक्स खा लेते हैं तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए अगर हम खाते भी हैं फोर टू फाइव टाइम्स एक दिन में तीन चार से पांच बार भी खाते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट में खाना चाहिए ओके नेक्स्ट है टीचर एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दिस स्टोरी सो यू हैव टू प्रिटेंड यू आर अ टीचर एंड इसलिए आपको कंडक्ट क्या करना है टेस्ट कंडक्ट करना है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड प्रीपेयर थ्री डिस्कशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टोरी आपको थ्री क्वेश्चन प्रीपेयर करना है uh, स्टोरी के अकॉर्डिंग uh, ठीक है जैसे कि आप ये प्रीपेयर कर सकते हो फर्स्ट व्हाट मेड द पीपल ऑफ द अर्थ अप्रोच लॉर्ड शिवा एंड वाई सेकेंड आप कर सकते हो वॉट जॉब वॉज नंदी असाइन्ड बाय लॉर्ड शिवा वॉट डिड नंदी डू ऑल अलोंग हिस्स वे टू अर्थ वाई इज सच अलोंग डिस्क्रिप्शन गिवन इन दिस रिगार्ड एंड थर्ड क्वेश्चन आप ये दे सकते हो वॉट वॉज द मैसेज कन्वेड बाय नंदी हाउ डू मॉडर्न डायटिशियंस टेक द मैसेज एस और इस तरीके से जो आज के जो मॉडर्न जो डायटिशियंस है उन्होंने इस मैसेज को किस तरीके से कन्वे किया बताया एडवाइस किया कि अगर आप खा रहे हो तो फोर टू फाइव टाइम्स अ डे देन यू हैव टू ईट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज ओके देन इसके बाद है फाइन इंफॉर्मेशन ऑन फास्टिंग मंथ इन डिफरेंट रिलीजियंस एंड इन इम्पोर्टेंस सो सी फास्टिंग मंथ मतलब आपको पता होगा कि काफी आ, अलग अलग रिलीजन्स में फास्ट किया जाता है फास्ट यानी व्रत रखा जाता है हर महीने रखा जाता है तो ये अलग अलग रिलीजन्स उनके अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं जैसे कि हिंदुजम इस्लाम क्रिस्टानिटी बुद्धिज्म ठीक है और इसके अकॉर्डिंग वो उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस है जैसे अभी हम बात कर, वो क्यों व्रत क्यों रखते हैं फास्ट क्यों करते हैं ताकि डिसिप्लिन के लिए प्योरिफिकेशन के लिए ओके okay? ताकि वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट कर सके टू गॉड अब हिंदुज्म अगर हम बात करते हैं हिंदुइजम की तो उनका बेसिकली कब व्रत होता है जब नवरात्रि आती है ठीक है तो नाइन डेज की नवरात्रि आती है तो उनमें भी वो फास्ट करते हैं ठीक है थीके? और कितने टाइम फास्ट करते हैं अगर दूसरे दिन देखा जाए तो ट्वेल्व तो टू ट्वेंटी फोर आवर्स तक वो फास्ट करते हैं बिना खाए पिए देन अगर हम बात करते हैं इस्लाम यानी मुस्लिम्स वो कब फास्ट करते हैं तब इनका रमजान आता है ठीक है तो तब वो लोग क्या करते हैं कुछ खाना यानी कि पूरा दिन खाते नहीं है फिर रात को शायद खाते हैं वो ओके सो नेक्स्ट जो है बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म में भी क्या होता है कि कुछ मॉन्स जो है वो फास्ट करते हैं करीब एटीन uh, और थर्टी सिक्स डेज तक वो फास्ट करते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं कुछ खाना भी नहीं खाते हैं वो और दूसरा जो फास्ट करते हैं तो कुछ फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग फास्ट करते हैं और या फिर जब फुल मून डेज आता है तब वो फास्ट करते हैं तो इसी तरीके से आपको ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आ, निकालनी है फास्ट मंथ के बारे में ठीक है और कुछ मैंने आपको भी बता दिया ताकि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो जाए फ्रॉम ग्रुप्स एंड राइट ड्रामा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड देन इनेक्टेड तो ये आप खुद कर सकते हो जैसे नंदी जी और शिव जी भगवान के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसके बेसिस पे आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हो या फिर उसके ऊपर आप ड्रामा इनेक्ट भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर थ्री में दिया हुआ है वॉट इज अ बैलेंस्ड डाइट अब डाइट क्या होता है तो ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स चूजिंग वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स अगर आप अगर बैलेंस डाइट अगला बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप एक तरह का एक वाइड वेराइटी काफी अलग अलग वराइटीज का जो है फूड का आप खाते हो तो एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए कुछ जो अगर आप ड्रिंक भी करते हो तो वो सब आपको एक प्रॉपर अमाउंट में करना चाहिए ओके इट ऑल्सो मीन्स ईटिंग सर्टन थिंग्स इन मॉडरेशन मॉडरेशन मीन्स एक बैलेंस में ठीक है एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जो भी चीजें खाते हो प्रॉपर बैलेंस में खानी चाहिए जैसे यहाँ पे नेमली सैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट क्या होता है कि जो फूड विथ बैड फैट ठीक है जो आपको मतलब कि हार्म करता है आपकी हेल्थ को ये अच्छा फैट नहीं होता सेचूरेटेड फैट ठीक है ट्रांस फैट क्या होता है जो कि एक एक ऐसा टाइप ऑफ फैट होता है जो आपको फ्राइड फूड में मिलेगा जैसे समोसे हो गए पूरी हो गई ठीक है ट्रांसफेट uh, जो फ्राइड किए जाते हैं खाने को डीप फ्राई किया जाता है ऑयली होता है फूड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जो काफी मतलब टू मच फैट होता है आपके बॉडी में टिश्यूज बहुत ज्यादा फैट होता है आपके बॉडी टिश्यूज में एंड ब्लड में ठीक है देन रिफाइंड शुगर यानी प्रॉपर अमाउंट में रिफाइंड uh, शुगर हो गया सॉल्ट एल्कोहल ये सारी चीजें हैं ताकि आपको ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट बैलेंस करके खाना चाहिए मेन गोल क्या है इसका इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स यू नीड फॉर हेल्थ एट द रेकमेंडेड लेवल्स यानी कि आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है जैसे कि प्रॉपर कोई भी सब्सटेंस चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो विच नीड टू लिव एंड ग्रो जो न्यूट्रिएंट्स वही होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है जो फूड आप खाते हो आपको एनर्जी मिलती है एनर्जी क्या है कि इज कैपेसिटी कैपेसिटी टू डू वर्क उतने, उतने होते हैं कि इससे आप ज्यादा काम कर सकोगे एक एनर्जी होती है देन दिस इज नोन एज द बैलेंस डाइट ओके नेक्स्ट इज वॉट आर कैलोरीज अब कैलोरीज क्या होता है सो so, कैलोरीज भी एक इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी ठीक है यूनिट है एनर्जी का जिसमें क्या होता है सपोज आपने सुना होगा कि अगर आप कहीं पे सुनते हो कि इस चीज में या इस चॉकलेट में कुछ भी आ, या पेस्ट्रीज में करीब हंड्रेड कैलोरीज है ओके okay, एंड उसका क्या है कि द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड हाउ मच एनर्जी योर बॉडी कुड गेट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग इट ठीक है कैलोरीज का मीनिंग भी यही होता है कि अगर आप कहीं से सुनते हो हंड्रेड कैलोरीज तो इसका मतलब ये नहीं कि हंड्रेड कैलोरीज ही हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी गेन करती है ठीक है वो किसके थ्रू होता है बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इन अगर आप कोई जूस पी रहे हो ठीक है या आप कुछ सोडा uh, पी रहे हो ठीक है कोला को, को, कोलापैपसी तो ये सब में कैलोरीज होती है पर वो कितना आप गेन करते हो वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है योर बैलेंसड डाइट मस्ट बी प्लान एट योर ओन कैलोरी लेवल आपका जो बैलेंस डाइट है वो आपके खुद के कैलोरी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पोर्शन कितने पोर्शन साइज इसकी मतलब कि अगर आप थोड़ा ले तो थोड़ा ही लेना चाहिए ठीक है आप थोड़ा इतना ज्यादा ले रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कैलोरीज के जितना आप खाते हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है यू वॉन्ट टू गेट द मोस्ट न्यूट्रिय फॉर द कैलोरीज बाई चूजिंग फूड आपको ज्यादातर क्या होगा कि न्यूट्रिय आप कहाँ से मिलेगा कि कितनी जो भी खाना को खाना आप सिलेक्ट करते, या करते हो या चूज करते हो उसके अंदर कितनी कैलोरीज होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स भी उसी में होंगे विद अ हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी तो इसमें क्या होगा कैलोरीज पे ही जो भी फूड आप चूज करोगे उसमें क्या होता है थोड़ा ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी होती है ठीक है अब न्यूट्रिएंट डेंस फूड और लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होता है सबसे पहले होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड रिलेटिवली फ्यू कैलोरीज एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीन मीट एंड फिश एंड होल ग्रेन्स एंड बीन्स सो न्यूट्रियन डेंस फूड क्या होता है जो प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज इन साइज तो ज्यादा अमाउंट में आपको जो मिन, विटामिन मिनरल्स जो है आप वो लेते हो ठीक है और जिसमें काफी कम कैलोरीज होती है जैसे कि और कोई फ्रूट्स हो गया ताजे ताजे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ठीक है देन लीन मीट फिश हो गया ग्रेन्स जो आप लेते हो या बीन्स अब लो न्यूट्रीन डेंस फूड क्या होता है जिसमें काफी फ्यू विटामिन होते हैं काफी कम विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स ऑसो बट लॉट्स ऑफ जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है जैसे कि के कैंडी बार्स कैंडी बार्स क्या है जैसे किड स्नीकर्स और चॉकलेट्स आप खाते हो ठीक है सोडा जैसे मैंने आपको कहा पैप्सी कोका कोला ओके okay? डोनट्स अब डोनट्स क्या होता है डोनट्स मीन्स या उसको डॉगनट भी कहते हैं एक स्मॉल सर्क्यूलर केक होता है ठीक है या उसको फ्राइड किया जा फ्राइड किया जाता है हॉट मतलब ऑयल में आ या फिर आइदर विद इन द मिडल और फील्ड विद जैम दैट इज नोन एज डोनट आपने देखा होगा डोनट कैसा होता है ठीक है सर्क्यूलर शेप का होता है जिसमें एक मतलब की स्वीट होता है एंड ऑनियन रिंग्स ऑनियन रिंग्स जो रेडीमेड आते हैं ना मिकेन्स आते हैं रेडीमेड आते हैं और उसको आप डीप फ्राई करते हो डेट इज नोन एज द ऑनियन रिंग्स ओके सो इस इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है और विटामिन और मिनरल्स कम होता है That ट इज नोन एज लो न्यूट्रिय डेंस फूड ओके और न्यूट्रियन डेंस फूड क्या होता है जिसमें ज्यादातर काफी uh, ज्यादा अमाउंट में विटामिन मिनरल्स होते हैं जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन्स बीन्स और इन सब में ओके गॉट इट देन नेक्स्ट आपका है वॉट टाइप ऑफ फूड्स विल यू चूज टू मेकअप बैलेंस डाइट तो किस टाइप का फूड आप चूज करना चाहोगे ताकि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस में रहे ठीक है देन यू हैव टू डिफाइन न्यूट्रियन डेंस फूड एंड लो डेंस फूड विद मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया है वही चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है तो आज के लिए एक्टिविटी थ्री तक ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी फोर फाइव सिक्स या सेवन करा दूंगी ओके तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए समझिए नहीं समझ में आता है तो मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते होके टेन टेक केयर बाय एंड है नाइस डे